क्या देख रही है? जब शैलू किसी लड़की से बात करता है तो कोई उसे परेशान नहीं करता, कोई नहीं आया। रागिनी, तुझे क्या हुआ? ऐसे गुमसुम क्यों खड़ी है? पुनीत नहीं आया इसलिए ना? अरे झूठ तो मैं बोलती नहीं, मुझे तो लगता है कि उसे पूजा पाठ में आस्था ही नहीं है। हाँ, अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पुनीत बस आता ही होगा। सुन लिया, अब खुश हो गई ना? अब अपने चेहरे से ही उदासी हटा और घबरा मत, वो आते ही होंगे। लो आ गया। नमस्कार। जीते रहो, कोई बात नहीं। माफ करना, थोड़ी देर हो गई। हाय राम, जरा रागिनी की शक्ल तो देखो, उनके आते ही कैसे इसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। प्रकाश चंद जी, सब आ चुके हैं, पूजा शुरू करते हैं। जी बेहतर जी। कौशल्या जी, ये साधना नहीं आई अभी तक। गुजरी के साथ आती होगी जी। विनीत को भेजकर आ जाएगी दामाद जी। रिक्शा टांगा मिला नहीं होगा, आप अंदर चलिए, वो लोग चले गए हैं। मुझे घर जल्दी जाना है, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज पूजा है। पूजा है? तो मैं भी तो पूजा ही कर रहा हूँ, प्रेम पूजा। वैसे अपने इस दुपट्टे को हवा में लहरा हूं ना, मैं लहरा दूं? साधना, ये तो गिर गई। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। मैं उठा दूं। लगा नहीं, उसको पकड़ो जाके। रुक जाओ। नहीं बच्चों, रुक जाओ वहां, बच्चों। हाँ तो बच्चे हैं यार, चलो चलो। नहीं मुझे उतर नहीं। मम्मी डांटे क्यों नहीं? वहाँ मच। प्रथम दादी ने कहा है ना वहाँ नहीं जाने का। नहीं फिर देखते हैं अंदर क्या है। नहीं वहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ प्रथम, दादी डांटेगी अगर हम उधर जाएंगे तो।
कौन हो तुम? गुनी, प्रथम, तुम दोनों को मना किया था ना इस तरफ आने के लिए? सॉरी दादी। काका, इन्हें अंदर लेकर जाइए। तुम कौन और यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अपनी नानी के घर आई थी, तब कुछ कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। देखो अभी सब ठीक लग रहा है, तुम यहां से जाओ और दोबारा यहां कभी मत आना, समझी? जाओ। परेशान दिख रही हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो थोड़ा काम ज्यादा था और ऊपर से रिक्शा भी नहीं मिली तो पैदल आना पड़ा ना। पर जीजी, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। बीबी जी ने कहा था कि साधना जीजी के साथ मंदिर आना। चलिए आप जल्दी से चलिए ना, तैयार हो जाइए। पर वहाँ तो लड़के वालों का परिवार होगा, मैं वहाँ कैसे जा सकती? देखो जी, मैं थोड़ा थक भी गई हूँ और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कर, तू जा, हाँ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पर जीजी, हेलो। हेलो साधना, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? वो मामा जी, मैं देखो बेटा, पूजा शुरू होने वाली है, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मामा जी, तुम तुरंत निकलो बेटा घर से। मामा जी, पर हेलो हेलो, कर दिया अब मैं क्या करूं? ओ, ये विनीत शर्मा यहाँ पे रहता है क्या? जी हाँ, पर भैया इस वक्त घर पर नहीं है, मंदिर गए हैं। कब आएगा? पूजा में गए हैं, पता नहीं कितना समय लगेगा। ठीक है, हम फिर आएंगे। पर आप लोग,
विनीत भैया का इनसे क्या वास्ता? पहले अगर लड़के वालों ने इसे देख लिया तो मेरा तो पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। पूजा संपन्न हुई। भाई साहब, पंडित जी को दक्षिणा दे दीजिए। सिर्फ 121 रुपए? कम से कम 2100 तो दीजिए। आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है। पूजा तो बहुत अच्छे से संपन्न हो गई जी। अब कल हमारे यहाँ हल्दी की रस्म है, आप सब जरूर आइएगा। हाँ हाँ आएंगे। साधना कहीं नजर नहीं आ रही, लड़के वालों से भी मिली नहीं है बेचारी। अरे वो रही, मिलवा देता हूँ सबसे। विनीत यही है? आप लोग? अरे आ गए तुम लोग। बाबूजी मैंने बुलाया इन्हें, आओ ना। पैसा किधर है? तेरे को बोला था ना अपने धंधे में धोखा नहीं चलता। तुझे क्या लगा था तू ऐसे छुपता रहेगा और हम तुझे छोड़ देंगे? चुपचाप पैसे लौटा दे।
नहीं तो यही पर धो डालूंगा तुझे। देखिए भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ कोई तमाशा मत कीजिए। मेरा पूरा परिवार है यहाँ पर, मेरी बहन के ससुराल वाले भी हैं। मैं पैसे लौटा दूंगा, आप बहुत जल्द लौटा दूंगा। कब देगा बोल? कल दे दूंगा। कल नहीं दिए ना तो फिर समझ लो ना तेरा क्या होगा। नहीं, मैं दे दूंगा, पक्का दे दूंगा, मगर अभी आप लोग चले जाइए। विनीत बेटा, जी बाबूजी, क्या बात है बेटा? ये कुछ नहीं बाबूजी, मेरे ऑफिस के लोग हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल। कल? बाबूजी चले। साधना बेटा, मुझे कुछ काम है, तू मेरे साथ चल। चल बेटा, मुझे देरी हो रही है, आ जा। बहू, साधना भी यहाँ थी, कहाँ चल गई? बाबूजी उसे कुछ काम था, वो नानी जी के साथ गई है। बाबूजी चलिए ना, वो सब जा रहे हैं। जी, क्या बात है, किन ख्यालों में डूबी हुई हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं साधना, कुछ अजीब सा लग रहा है। मंदिर में पुनीत ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। पता नहीं वो मुझे पसंद करते हैं या भी नहीं, या फिर अपने माता पिता के कहने पर मुझे शादी के लिए तैयार हो गए। आप भी ना जीजी, कैसे कैसे ख्याल ले आती हो अपने दिल में। कुछ लोग ना थोड़ी देर में खुलते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं। देखना, जब आप दोनों एक दूसरे को जान जाओगे ना, तब आपके ये सारे शक दूर हो जाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।